मम्मी कह रही मैंने वहां तक तेरी आवाज सुनी, मैं इतनी तेज चिल्लाई ना। उसका नाम है नेहा बलूनी, तो मैंने सोचा नाम भी बता देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मेरे को तो आपका पता ही होगा कि मेरा क्या हाल है। तो मेरा तो कल को ऑपरेशन हो रखा है, तो डॉक्टर ने तो मेरे को बोल रखा है कि 10 दिन के बाद आपका जो टाके लग रखे हैं वो निकलेंगे, और 1-2 दिन बाद जो मैंने पट्टी वगैरह लगा रखी है तो वो चेंज होगी। तो मैं आप लोगों को तब चेंज होगी तब मैं आप लोगों को जो मेरे पैर के टाँगे तभी दिखा पाऊंगी, क्योंकि मैं उसे नहीं दिखा पाई ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि वहाँ मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है। तो मैं आप लोगों को अपनी कहानी बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। तो हम गए अपने ऑपरेशन में, मतलब तो उन्होंने कहा कि पहले तो मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना वो था भी नहीं कि मैं मोबाइल लेके जाऊँ। तो ऑपरेशन हुआ, उन्होंने मेरे पे 2 इंजेक्शन लगाए थे जो बड़े बड़े वाले होते, एक तो उन्होंने पता नहीं कौन सा लगाया मेरे को नहीं पता, तो दूसरा मेरे को डॉक्टर ने लगाया था जो सुन करने का इंजेक्शन होता है वो लगाया था। तो फिर उसके बाद सुन करने का इंजेक्शन लगाया, फिर उन्होंने सील दिया था, फिर बैंडेज वगैरह लगा दी। तब उसके बाद मैं घर आ गई थी, तो मैं भी नहीं देख पाई थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था देखो मत, तुम डर जाओगी, क्योंकि मैं इतनी तेज चलाई ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे इतनी तेज चलाई, मतलब एक कमरा समझो आप ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे था, और मेरी मम्मी इतनी दूर खड़ी थी, मम्मी काफ़ी दूर थी क्योंकि मम्मी अलाउ नहीं करा था अंदर जाने के लिए, जिसको ऑपरेशन होता है वही होता है। तो मम्मी कह रही मैंने वहाँ तक तेरी आवाज़ सुनी, मैं इतनी तेज चिल्लाई ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा अब मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँगी। तो 10 दिन तक तो उन्होंने तो ऐसा बोल रखा ना कि टाँके होंगे निकलेंगे, फिर उसके बाद दवाई वगैरह लगेगी जो टाँके में स्किन की, पता नहीं था मेरे को नहीं पता, पर डॉक्टर ने ऐसा बोल रखा 1 मंथ का तो तुम्हारा पूरा बेड रेस्ट है। अब जो भी मेरे ब्लॉग बनेंगे घर के, क्या अब तो सारे कमरे के ही बनेंगे मेरे बैठे बैठे ब्लॉग, तो मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी कि आप लोगों से अच्छा ब्लॉग लेके आ जाऊँ। जब मैं ठीक हो जाऊँगी तब तो बाहर के ब्लॉग मैं लाऊंगी, पहले बस मैं ठीक हो जाऊँ। 1 महीने तक आप बस मेरे को ऐसे सपोर्ट करना जैसे आप लोगों ने सपोर्ट मेरे को अभी तक करा है, अभी भी वैसे करना। तो बस अब देखते हैं क्या क्या होता है। और अभी बज चुके हैं आई थिंक 12, तो अब 12 बज चुके हैं, मैंने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर दिया है, तो बहुत दिक्कत हो रही है पैर में, इतनी दवाई खा रही हूँ ना मैं, पहले सुबह खाली पेट फिर उसके बाद नाश्ते के बाद, तो दिन की तो नहीं है रात की है, फिर 4 गोली 4 5 6 7 7 गोली खानी पड़ रही है मुझे। तो जो मुंह का टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा कड़वा कड़वा सा हो रहा है, क्योंकि दवाइयाँ हैं भारी दवाइयाँ, जैसी भी दवाइयाँ हो तो मुँह तो कड़वा हो ही जाता है। और मेरी मम्मी कह रही थी मानसी आज मैं तेरे कुछ मीठा बना रही, क्योंकि दवाई खा खा के तेरा मुँह का टेस्ट बिगड़ गया है उस वजह से भी, और मम्मी को भी मीठा पसंद है, मम्मी ने कहा बना लेंगे। तो पता नहीं क्या बना रही मेरी मम्मी, तो जो भी है, तो मेरे को तो एक कमरे से दूसरे कमरे जाने में भी मेरे को दिक्कत आ रही है बहुत, पंजों में चल रही हूँ मैं। तो मोबाइल भी मैंने ट्राइपॉड में रख चुका है आराम से, तो मैं आप लोगों को अपना पैर दिखा देती हूँ कि मेरे पैर का क्या हाल हो रखा है। तो मैं दिखाती हूँ पैर का हाल, देख सकते हैं मेरे को 3 टाँके लग रखे हैं मेरे पैर में, और ऑपरेशन मेरा यहाँ का हो रखा है, तो मैं ज़्यादा नहीं छेड़ रही हूँ क्योंकि दर्द हो रहा है पैर उस वजह से। तो ये देख लो आप लोग, सामने मेरा पैर देख दिया होगा कि मेरे पैर का क्या हालत हो रखी है, और मेरे चेहरे की भी आप लोग हालत देख सकते हैं, दर्द दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे, क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्या था वो दिन। सही में ऐसा लगता है कि क्या हुआ मेरे पैर में ऐसा, कि जैसे कि ये सब हो गया, सोचा भी नहीं था कि कभी ऑपरेशन होगा लाइफ में, ऊपर से 3 टाँके लग रखे हैं। चलो जो भी है, अब मैं जा रही हूँ किचन में, देखते हैं मेरी मम्मी क्या कर रही है, क्योंकि मम्मी कह रही थी कुछ मीठा बनाना है, तो देखते हैं मीठा मीठा कुछ खाएंगे, थोड़ा मुँह का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। मेरे बाल देखो कैसे हो रहे थे कली कली से, बूट रहे थे, चलते हैं घर वालों से भी मिलाऊंगी मैं आप लोग को, दिक्कत हो रही तो मैं यहाँ सो रही हूँ उस वाले बेड में अलग से अपना, तो चलते हैं। चलो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है गुरुद्वार में, ऊपर से टाँके लग रखे हैं। तो ये रही मम्मी, मम्मी बना तो कुछ है, पता नहीं क्या बना रही, बट मैं खड़े खड़े कैसे बनाऊंगी मम्मी ब्लॉग, बैठ स्लिप में बैठ जा, मम्मी को देखना जरा स्लिप में बैठ बन, क्या बन रहा है। हेलो फ्रेंड, कैसे हो, सब ठीक हो, हम भी ठीक है, आप लोग भी स्वस्थ मस्त, आए नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं बना रही हूँ आज रसगुल्ले गुलाब जामुन, अरे गजब, सही है, गुलाब जामुन बना रही हूँ मैं, हाँ। बिना चास के देखना जरा, बिना चास के कैसे बनते, खतनी कर रही मैं, कोई चीज है जिसमें मैं रसगुल्ले डाल दूंगी, चास चूस कुछ नहीं बनाऊंगी। मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या क्या कर रही है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बैठ के ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, डॉक्टर ने मना कर रखा है 1 हफ्ते के लिए, बिल्कुल 1 हफ्ते 10 दिन तक तो टाके, बाकी हफ्ते तक जो भी है मतलब वो रखा है, खड़े मत हो ना टाके फट जाएंगे। हाँ, तो जब तक टाके नहीं फट, जब टाके नहीं निकलते तब तक तो ऐसे लगूंगी मैं, जो भी है मैं आप लोगों को बैठे बैठे ही ब्लॉग बनाएंगे। किचन में आ रही हूँ, किचन में भी मैं बैठ रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी मम्मी क्या क्या बना रही है। मम्मी इसलिए बना रही है क्योंकि घर में भी था, मम्मी को भी मीठा पसंद है, मैं मम्मी तो दवाई खा खा के तेरा मुँह घर में थी, कोई चीज थी, मैंने कहा उसकी खतनी करनी,
हाँ, उसके रसगुल्ले बना देते हैं। तो देखते हैं मम्मी क्या क्या करी, मेरे को भी आइडिया नहीं है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या चीज कह रही थी। बना रही हूँ, मिठाई है वो। हाँ अच्छा, गुलाब जामुन के पैकेट का ही पैकेट। इसकी चास कैसी है? इसकी चास रेडीमेड है। ये रही दादी, दादी हेलो बोल दो। हेलो, रेडीमेड चास है उसकी। गई हम देखने आई थी क्या कर रहे हैं। तो मम्मी क्या क्या हो रहा है तब? मैं बना रही हूँ आज गुलाब जामुन, मीठे खाने का मन कर रहा है। मीठे खाने का मन कर रहा है, इसको भून रही हूँ फटाफट, 5 मिनट बनते हैं। हाँ तो देखते हैं कैसे कैसे बनाती हूँ मम्मी। तो मैं तो हेल्प नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं खड़ी नहीं रह पा रही, तो हेल्प तो क्या ही करूंगी, बट मैं देख आप लोगों को बताती रहूंगी कैसे कैसे बना सकते हैं आप लोग घर में। तेल में गांड थी। हाँ पैर में गांठ हो रखी थी ना, तो उस वजह से दर्द हो रहा था, तो फिर निकाल दिया। काफी दिन तक रहेगा वो। एक महीना लगा लो कम से कम। ये देखो आप मेरा पैर। तो फिलहाल अभी तो मम्मी आज मुंह मीठा कर रही है, मल रही हूं मैं दूध के साथ। ये पैकेट है, देखते कितने बनते हैं। 15-20 बन जाएंगे छोटे छोटे, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं ना इनके गोले, अगर आपको बड़े वाले बनाने हैं। दो है पर मैंने कहा पहले एक को देख बनते। हां एक सही बन जाएगा, दूसरा देख लेंगे। ये भी सही है। और गर्मी कैसे हो रही है? तो बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, मेरे तो टाके भी लग रखे हैं, उसकी वजह से ज्यादा गर्मी लग रही है ना मम्मी। ये क्या है? मम्मी कह रही इसको बंद कर दे, पानी रखा है पानी। अभी अपना वो बता जब मैं चिल्लाई थी, थोड़ा रिएक्शन। ऐसे चिल्लाई कि जोर से बाहर तक आवाज आई। हाँ प्लानी, एक बार में दो लग गए बेचारे बच्चे पे। अभी तो शुरुआत है जिंदगी, कितने कष्ट झेलने पड़ेंगे। हाँ तो कुछ नहीं है, टाके लगे मुझ पे टाके। इंसान की जिंदगी परेशानी की है। तो मम्मी ने बात करते करते इसको गूंद भी दिया है। अब इनके कन्ने हैं गोली, पहले टाइट से करना आई थी। आज मम्मी खिलाएगी हमको मीठे मीठे गुलाब जामुन। खट्टे का कड़े का होते हैं गुलाब जामुन, मीठे होते हैं। हाँ ये बात भी है, मम्मी ने मेरा मजाक बना चुका है, मैं बोल भी नहीं पा रही, मेरे को लग रहा है पैर में दर्द। क्या लगा रखा हाथ पे? तेल। हाँ ये बताया नहीं तूने, है तेल लगा रखा, तेल लगा देना हाथ पे जिससे टाइट हो जाए, सॉफ्ट मतलब। और यहाँ पे कढ़ाई भी यहाँ पे रेडी कर चुकी है कि यहाँ पे तलेंगे, एक गोली वगैरह बनाएंगे। हम ना ज़्यादा बड़े भी नहीं बना रहे, ज़्यादा छोटे भी नहीं बना रहे, मीडियम बना रहे। और मम्मी आपको फिर टोटल करके बता देगी कितने बने। ये थाली सजाने लग गई, थाली भरनी पूरे। मैंने अब तेल भी रख चुका है और यहाँ पे अब गोली बनाएगी मम्मी, जब तक तेल गरम होता रहेगा। मैं बैठ रखी हूँ स्लिप में और मम्मी वहाँ पे काम कर रही है। मम्मी कर रही है काम। हाँ और मैं बैठ रखी हूँ। आ जाओ आप लोग भी जरा मदद करने गोली बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी अकेले अकेले कर रही है, तो आ जाओ आप लोग भी देखते हैं कैसे बनते हैं। मेरा चेहरा कैसा हो रखा है मम्मी? तो मैं थोड़ी बहुत बीमार भी लग रही हूँ। हाँ चेहरे पे दिख तो रहा है मेरे को, मेरा चेहरा अलग लग रहा है थोड़ा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आइए मेरे से मिलने के लिए।
मेरा हाल चाल पूछने के लिए है कोई अपना तो आप आ सकते हैं। मेरी फ्रेंड आई थी मेरे से मिलने के लिए, हमारी पड़ोसी है, जैसे उसने मेरा ब्लॉग देखा कल वाला कि मेरा ऑपरेशन हो रखा है, तो मुझसे मिलने आई थी। उसका नाम है नेहा बलूनी, तो मैंने सोचा नाम भी बता देती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मम्मी ने जो गोली है कर चुकी है। खुटो देखने के लिए आ जाओ आप लोग भी। हाँ नेहा तो आ गई मेरे को मिलने के लिए, और जो मेरे पक्के दगड़े हैं आप लोग भी आ जाइए मेरे से मिलने के लिए। अगर मैं ब्लॉग बना पाऊंगी आप लोगों के साथ तो सही है, क्योंकि नेहा के साथ मैंने नहीं बनाया, वो शर्माती है। अगर आप लोग आओगे आप लोगों के साथ ही पक्का ब्लॉग बनेगा, नहीं तो आपका नाम भी मैं पक्का लूंगी जैसे मैंने नेहा का ले रखा है। तो ये है देखो, और यहाँ पे ये भी रेडी हो चुका है, तो हम लोग खाएंगे गुलाब जामुन। नहीं फटला यार, अच्छा बना रहा, अच्छा को जान। मम्मी यहाँ पे घबरा, मम्मी यहाँ पे घबराते हुए। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा पहले डाल दिया है कि जिससे पता चल जाए कि तेल गरम हुआ कि नहीं हुआ। तेल भी हो चुका है, मम्मी के हाथ पे क्या ये मम्मी, तो गुलाब जामुन का रस है। अग्निदेव को सबसे पहले चढ़ा चुका है। गुलाब जामुन खाए हमने परसों ऐसी गर्मी, गुलाब जामुन खाए थे, इसका रस फेंकना नहीं है, मीठा चास इतनी चास है इसके। मैं आज भी गुलाब जामुन बना रही हूँ, देखते हैं कैसे होते हैं। हाँ तो मतलब ऐसा था कि मम्मी ने घर में जो एक ये पैकेट वाले इसी में डालूंगी मैं। तो हमारे पास यहाँ पे चाशनी रेडी हो चुकी है, हम लोगों ने वेस्ट नहीं करी चाशनी की, हमने कहा चलो सीधे गुलाब जामुन बनाए जाते हैं, ये तो अलग से बनाने पड़ते हैं हम लोगों को। अच्छा ताई मम्मी ने यहाँ पे पानी गरम गरम, मेरे को पता ही नहीं था क्योंकि मैं तो कमरे में थी, तो मम्मी यहाँ पे है ही मास्टर शेफ हमारे घर की, कैसे बनते हैं थोड़ा सा गुनगुना कर रहे क्योंकि ज्यादा मोटा है ना वो, इसलिए मीठा ज्यादा है। हाँ भाई उसके जो चाशनी मीठी होती है ना, जो पैकेट डब्बे वाले आते हैं, तो हमको इतना मीठा नहीं चाहिए, हमको पतला चाहिए, थोड़ा कम मीठा चाहिए। तब भी बहुत ही मीठा रहता है, चाशनी यूज करी है डब्बे की, तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, या तो आप लोग लकड़ी भी बना सकते हैं, चाशनी की लकड़ी भी बना सकते हैं गुलाब जामुन की रस की। तो हम लोगों के पास तो पैकेट था, तो आई थिंक मम्मी ने तभी बनाया, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था कि आज क्या क्या यहाँ तैयारी हो रही है। तो मम्मी ने एक डाल चुका है, तो फिर देखेंगे कैसे बना रखा है। तो हमने इतने मोटे यहाँ पे गोले बना रखे हैं, देखो आप लोग, इसको पूरी कढ़ाई भर देते हैं। गर्मी कितनी हो रही है आज बब्बा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही फ्रेंड्स यहाँ। वैसे तो हवे हरी जगह हो गई होगी गर्मी, बट किचन में कुछ ज़्यादा ही लग रही है, गैस वगैरह ऑन है ना। कि जो गुलाब जामुन है यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, तो काफ़ी मोटे मोटे और अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट से दिख रहे हैं यहाँ पे गुलाब जामुन, है ना मम्मी। तो अभी तो बहुत सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे हैं। हाँ नहीं तो जलने का भी डर रहता है, इससे ज़्यादा कर करे नहीं करें, नहीं तो वो जल जाते हैं। ठीक है सारे जो गुलाब जामुन है यहाँ पे पूरे बन चुके हैं, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग डाल देंगे इसको चाशनी में, गरम चूरे। हाँ चाशनी भी ज़्यादा ठंडी भी नहीं रखनी, ज़्यादा गर्म भी नहीं रखनी है, ठीक ठाक रखनी है। तो भी चाशनी को ऐसे देख सकते हैं किताब, मम्मी ऐसा है बाजार वाला होगा पूरा। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बन चुका है, अभी इसको 10 मिनट तक, तो पूरे 10 मिनट तक या आधे घंटे तक, आधे घंटे तक कम से कम हम लोगों को जो ये गुलाब जामुन है चाशनी में रख देना है, तब पूरा टेस्ट आएगा, नहीं तो अच्छे से नहीं आता है टेस्ट। तो देखो आप लोग साथ साथ मम्मी डाल भी रही है तल के, तो मैं आप लोगों को अब आधे घंटे के बाद मिलती हूँ, जब ये सबके सब यहाँ पे बन जाएंगे एकदम मस्त गुलाब जामुन। मम्मी पहले भर दे मस्त करके, तो यहाँ पे सबके सब यहाँ पे रख देगी मम्मी, तब चाशनी में मिक्स हो जाएंगे। बस अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। चलो अब चलते हैं किचन में, मम्मी ने कहा था 10 मिनट के बाद आना, क्योंकि जो गुलाब जामुन है उसके चास में थोड़ा टाइम लगता है, 10 आधे घंटे हो गए थे, आधे घंटे बाद जा रही हूँ किचन। मम्मी तो यहीं पर ही आ गई, तो चल भी नहीं जा रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ बहुत अच्छी तरीके से हो चुके हैं गुलाब जामुन, इतने ज़्यादा अच्छे बन रखे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे बना रखे मेरी मम्मी ने। हाँ मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छे बना रखे हैं,
तो फोटो में तो इतने अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि एक ऊपर एक है ना उस वजह से, बाकी मम्मी कटोरी में रख के दिखाएगी आप लोगों को। तो काफी खा रहे हैं अब हम लोग, आप लोग आ जाओ क्योंकि इंतजार नहीं हो रहा है मेरे से मेरी मम्मी से, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं। तो हमने कहा पहले हम बनाते रहते हैं खाते रहते हैं, हाँ ये नई नई चीजें हम लोग ट्राई करते रहते हैं ना, तो मीठा तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, बचता भी नहीं है हमारे घर में। तो ये देखो आप लोग, मम्मी तो एकदम खुश हो गई कि फाइनली आधे घंटे बाद मैं अब खाऊंगी। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, ये देखो आप लोग इतने सारे मम्मी ने आज गुलाब जामुन बना रखे हैं, तो मैं इसको खा के देखती हूँ। मम्मी एक बार तू टेस्ट कर कनोड़ा ची, टेस्ट तो कर ले, कटोरी लान ठीक छे। तो मम्मी तो कटोरी लेने के लिए चली गई है, तब तक आप लोग गुलाब जामुन देख लीजिए किस किस को गुलाब जामुन पसंद है वो भी घर के आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मम्मी भी यहाँ पे कटोरी लेके आ गई है अपने के लिए खाने के लिए, मतलब चाशनी भी भर भर के ले रही। देखो मेरी मम्मी गुलाब जामुन एक ले रखा, चाशनी चाहिए मेन तो, मीठा करनी है गिच्ची तो। अच्छा है तो मैं भी टेस्ट करके, गुलाब जामुन मम्मी के हाथों से घर के बने हुए, तो मैं भी ले रही हूँ। मैं तो कुछ नहीं खा रही, कटोरी फटोरी भी मैं तो हाथ ही से ले रही हूँ, पूरे कटोरी ले चुके। तो मैं देख लो अपने तास की भी खत्म नहीं करी, हाँ ये बात भी हो गया। बहुत ज्यादा अच्छा बन रहा था, और मीठा भी नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने जो डब्बे वाले गुलाब जामुन का यूज किया था तो उसकी चाशनी भी यहाँ पे यूज हो गई है, चाशनी भी नहीं पीगी हमने। इसी खुशी में एक और खा लेती हूँ मैं। मम्मी बोल रही थी तेरे पैर का दर्द क्या पता ऐसे ठीक हो जाए, मेरे फेस में आई थिंक ग्लो आ गया है खा के, तो मैं मजाक कर रही हूँ। या बहुत ज़्यादा मस्त, मतलब मुँह में जाते पिघल गए, ऐसा नहीं कि अंदर से कच्ची हो। मैं यहाँ पे तो दो खा चुके हैं, देखो आप लोग, मेरे को मीठा ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे ये भी पता है कि ये पूरे कटोरी मैंने खा लिया, मेरे को जितना भी मीठा दे दो मैं उतना मीठा भी खा देती हूँ, पर मीठा हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, शुगर वगैरह बहुत सारी बीमारी होती है, तो कभी कभार ही खाओ। जैसे महीने में कभी भी, मतलब कभी खानी चाहिए वैसे तो मीठा, अगर मेरी बात मानो तो जो भी है। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करिए आप लोग, जैसे आप लोगों ने मुझे करा है, क्योंकि आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं क्या होने हो रहा है मेरा आजकल, क्योंकि पेन की वजह से दर्द हो रहा है मेरे को, तो दवाई वगैरह तो मेरी चली गई है पेन की, बाकी पैर का तो आप लोगों को बताइए टाके, जो भी एक महीने का तो पूरा बेड रेस्ट है मेरा। तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों हमेशा नए नए ब्लॉग लेके आऊँगी। तो बस आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर ही खत्म करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो आज का ब्लॉग है अच्छा लगा होगा, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब पक्का करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, ओके बाय।